बात करते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। तो आपने 11th 12th में अलग अलग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा। तो देखो, अगर दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उनके लिए यूनिक सॉल्यूशन निकालने का भी एक तरीका होता है। देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे देखो, कोई भी आपके पास a1x + b1y = c1 दिया है और a2x + b2y = c2 दिया है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक कब होगा? जब आपका a1 / a2 b1 / b2 के बराबर नहीं होगा, उस केस में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहा जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन वाला कहा जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये लिखा हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? मैट्रिक्स के अंदर, एक सेकेंड, a1 b1 a2 b2 को एक मैट्रिक्स के अंदर और इनटू में क्या, x y = c1 c2 इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन को यूनिक होने के लिए क्या चाहिए? a1 / a2 ≠ b1 / b2 चाहिए, ठीक है। तो देखो, जिस प्रकार हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? a1 b2 - a2 b1 ≠ 0, ठीक है। ये भी आपका कंडीशन होता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूनिक बनाने के लिए, मतलब उसका आंसर यूनिक लाने के लिए। तो देखो, ये कहाँ से आया? यूनिकनेस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां से भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो देखो, a1 b2 - a2 b1 - a2 b1, ये इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? डिटरमिनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और डिटरमिनेंट को सिंपली ऐसे दो लाइन के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे सर सिंपल एग्जांपल ले लो यही वाला, कि जो सपोज कर लो ए मैट्रिक्स दिया है आपके पास, इतना सिर्फ दिया है, ठीक है। तो इसको अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, एक ही अगल बगल दो लाइन बना के, या सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख के, ठीक है। और एलिमेंट को कैसे लिखोगे? a1 b1 a2 b2, इसको क्या बोला जाता है? डिटरमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे बात करें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, तो बेसिक सा सिंपल एक डिफरेंस है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट बनाए जा सकते हैं। देखो, मैट्रिक्स आपका अलग अलग फॉर्म का हो सकता है, 1 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 5 का, लेकिन डिटरमिनेंट आपका हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लो। बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, सॉरी, डिटरमिनेंट को कैसे ओपन किया जाता है ये आता है, ठीक है। क्योंकि ये पिछले अपने जो स्कूल लेवल में पढ़ के आए वहां तक अपने सीखा होगा, ठीक है। तो देखो, पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर हम रो को कॉलम में बदल दें, और या फिर कॉलम को रो में बदल दें, हमारा जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंपल ये एक एग्जाम्पल है, अगर हम क्या कर ले, पहले रो को कॉलम में बदल दे तो क्या होता है, ठीक है, या सिंपली सभी रो को कॉलम में बदल दो, तो देखो जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? सपोज कर लो वो कुछ बी डिटरमिनेंट बना, तो वो कैसा दिखेगा आपका? 2 - 3 = 5 6 0 4 1 5 - 7, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? 2 को बाहर रखे और वो इस 2 को बाहर रखा, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, ये 0 और ये -20, और फिर क्या, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसको इसको छोड़ो, 7 6 -42 और -4, और फिर क्या, +5, इसको छोड़ो, इसको 30, ठीक है। इतना हो गया, इसका वैल्यू कितना आएगा? -40, और यहाँ पे कितना आया? -46 इंटू में 3, मतलब 138, -138, और यहाँ क्या हुआ, कितना हो जाएगा? +150। तो यहाँ पे बचा 12 बचा, और माइनस इतना कितना हो गया? -28 बचा यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो देखो, एक सेकेंड, इसको रफ करते हैं। यहाँ पे क्या, पहले 2 को बाहर रखोगे और फिर क्या, इसको इसको छोड़ोगे, ये 0, ये कितना, 20, और उसके बाद -20, सॉरी, फिर क्या, -6, इसको छोड़ो इसको, फिर ये कितना हो गया, 21, और माइनस में 25, फिर क्या, +1, ये कितना हो गया, -12, और 0 छोड़ दो, तो
ये कितना हो गया -40, और ये कितना हुआ यहाँ पे बचा -4 और 6, कितना हो गया 24, और फिर क्या यहाँ पे -12, तो कितना हो गया ये 40 और -12 मतलब क्या 52 हो गया, और 24 कितना बचा आपके पास -28 बचा। तो यहाँ भी देखो वही आया, यहाँ भी देखो वही आया, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट में देखो हमने रो चेंज किया, आप क्या करना इसके कॉलम को चेंज कर लेना, तो आपका क्या होगा कभी भी वैल्यू अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कब वैलिड है, जब आप क्या करो सारे रो को कॉलम में बदल दो या सारे कॉलम को रो में बदल दो, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी है इंटरचेंज का, देखो ये क्या है, ये आपका है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ठीक है, ये क्या है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर हम क्या करें किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर दे, मतलब R1 को यहाँ पे ला दे, R3 को यहाँ पे ला दे, या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे, C2 को यहाँ कर दो या C3 को यहाँ कर दो, ऐसे केस में जो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। कि देखो हम सिर्फ 3x3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, 2x2 और 1x1 की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो जो इसको भी हमने सॉल्व किया था तो उसका वैल्यू कितना आया था, -28 आया था। हम करते क्या है इसमें कॉलम चेंज करते हैं, पिछले वाले में हमने रो चेंज किया था, इस वाले में कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ना, तो हम क्या करते हैं C1 और C3 को सिंपल इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास 5 4 -7 -3 0 5 2 6 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो आता क्या है, ठीक है। तो क्या होगा 5 बार रहेगा, ये छूटा, ये मतलब क्या यहाँ पे बचा -30, फिर क्या माइनस माइनस +3, ये छूटा, 1 4 4 माइनस माइनस +42 इतना हो गया, फिर क्या +2 ये छूटा ये कितना हो गया 20, और ये वाला तो 0 होने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा -150, और यहाँ पे क्या 46 × 3 कितना हो गया 138 +138 और +40, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -12 बचेगा, और -12 + 40 करोगे तो कितना आएगा 28 आएगा। तो देखो यार यहाँ पे कितना आया था 28, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -28 आया था ओरिजिनल डिटरमिनेंट का, लेकिन जब हमने क्या किया दो सिंपली कॉलम को चेंज किया तो हमारे पास कितना आया 28 आया। ऐसे ही क्या करोगे, अगर आप सिर्फ दो रो को बदल दोगे, किसी भी दो रो को, इसको इससे बदल दो, इसको इससे या इसको इससे, आपके पास उस टाइम पे भी 28 एज आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, नोट करो। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, उस टाइम पे जो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। जैसे सिंपल एक डिटरमिनेंट लो 1 2 3 3 2 1 1 2 3 का, तो देखो यहाँ पे R1 और R3 क्या है सेम है, तो इस केस में आप क्या करना, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके देखना आपके पास जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। हम क्या चलो अच्छा कर लिया जाए, देखो फिर अगला आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो 1 को बाहर रखो, ये छोड़ो, कितना हो गया ये 6 -2, -2 को बाहर रखो, ये छोड़ो, 3 3 9 -1 +3 को बाहर रखो, ये छोड़ो, ये कितना हो गया 3 2 6 और -2 ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 8 2 16, ये कितना हो गया 4 3 12। तो देखो यार 16 -16 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे क्या हुआ दो रो आइडेंटिकल थे, अगर क्या हो कोई दूसरा हम डिटरमिनेंट बनाए जिसमें क्या है 1 2 3 0 1 2 0 1 2 है, तो इस केस में भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो सपोज कर लो एक हमारे पास सिंपल सा डिटरमिनेंट है 17 3 6 0 1 2 17 3 6 है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सपोज कर लो ये कोई एक ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करने पे कितना आया सपोज कर लो, अभी 0 मत बोलो क्योंकि ये तो सेम है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी 0 मत बोलो, अभी बोल दो सिर्फ डिटरमिनेंट ए का वैल्यू, सपोज कर दो यहाँ पे यक्स कोई नंबर आया, यक्स तो 0 है हमको मालूम है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें पहले रो में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 102 बनेगा, 18 36 0 1 2 17 3 6 बनेगा, ठीक है।
मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट बन गया, इसको कोई बी डिटरमिनेंट नाम दे दो। तो देखो जो आपके ए डिटरमिनेंट के अंदर पहले रो के अंदर हमने 6 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो इसका और इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहला तरीका क्या है कि इसको सॉल्व करो, पूरा बड़ा का है इसको सॉल्व करो, या क्या करो आप इस छोटे वाले को सॉल्व कर लो और जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया वो नंबर को आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका आंसर जो भी आया, सपोज कर लो कोई वाई आया, तो जो आपका 6x होगा वो एग्जैक्टली वाई के बराबर होगा, ठीक है। और देखो यार आप जानते भी हो कि ये सेम है, मतलब इसका वैल्यू भी 0 आने वाला है। और देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1736 है और इसका जस्ट एक प्रोपोर्शनल नंबर यहाँ पे है। अगर इस रो 3 में जो है इसमें हम 6 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, यही एग्जैक्टली बन जाएगा। तो देखो ऐसा कोई केस जिसमें एग्जैक्टली सेम हो या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, उस केस में भी आपके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से y का वैल्यू भी 0 आएगा और x का वैल्यू भी 0 आएगा, तो 6 × x भी 0 हो गया, ठीक है। सिंपल सा है, कोई भी डिटरमिनेंट दिया है उसके अंदर एक कॉमन नंबर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद ये बड़े वाले को सॉल्व करना है तो कर लो, टाइम है, तो अगर नहीं करना तो छोटे वाले को सॉल्व करो, जो भी आंसर आया उसके अंदर जो भी नंबर आपने मल्टीप्लाई किया था उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, नोट करो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखो कोई भी हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया है, अगर उसके अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अपने अलग अलग एलिमेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, या तो इस बड़े वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर ले, या जो भी रो या जो भी कॉलम सम के रूप में लिखे गए हैं उनको अलग अलग लिख लें और अलग अलग डिटरमिनेंट को सॉल्व करके दोनों डिटरमिनेंट का सम करें तो वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। एग्जांपल से देख लो, क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, 2z और यह x y z है। तो देखो जो आपका सेकेंड रो है वो क्या है, एज ए सम के रूप में लिखा हुआ है, तो अगर हम क्या करें इसको सॉल्व करें, या अगर हम क्या करें ए बी सी यक्स, सॉरी यक्स नहीं, ए बी सी यक्स वाई जेड इसको सॉल्व कर दें, प्लस आपका ए बी सी 2x 2y 2z और क्या यक्स वाई जेड इसको सॉल्व करके इन दोनों डिटरमिनेंट का सम ले तो वो इस डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करके देखना, आपके पास 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे दो रो क्या है आइडेंटिकल, एक दूसरे से सेम है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। प्लस यहाँ पे देखो क्या है, आपका सेकेंड रो और थर्ड रो क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अगर हम क्या करें थर्ड रो में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली सेकेंड रो बन जाएगा, तो आपके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 आया। मतलब क्या, यहाँ पे 0 = 0 आ गया, जो ये प्रूव करता है कि कोई भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम एज ए सम के रूप में लिखे हुए हैं तो उनको अलग अलग तोड़ो, उनको सॉल्व करो, वो इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क ले लो, उसको आप क्या करना आंसर के रूप में कमेंट में बताना, ठीक है, नोट कर लो पहले। देखो होमवर्क आपका ये है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो उस डिटरमिनेंट ऑफ के कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। देखो जो हमने अभी क्या किया, एक जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर 6 मल्टीप्लाई किया था, तो स्पेसिफाई करके बताया था कि 6 हमने पहले रो के अंदर मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर रो और हर कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। डिटरमिनेंट का केस थोड़ा उल्टा है, आपको स्पेसिफाई करके बोलना पड़ेगा, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हर जगह मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। वही आइडिया लगा के इसको सॉल्व करना कि इसका आंसर इसमें से कितना किसमें होगा, ठीक है, नोट कर लो।